अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा बाबू और आज मैं आपको देख रहा हूँ कोहिनूर सिटी फैसलाबाद में आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ पर लेयर्स केक एंड बेक्स वाले हैं, उनका हम केक ट्राई करेंगे और आपको इसका रिव्यू बताएंगे कैसा इनका टेस्ट है। और फैसलाबाद में बहुत ही फेमस है जी, ये केक तो बहुत सारे हैं फैसलाबाद में मिलते, तो ये जो इसका अलग टेस्ट है, बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कहा था कि आप लेयर्स एंड बेक्स पर भी जाएँ। तो काफ़ी देर से मैं टाइम बना रहा था तो टाइम नहीं बन रहा था, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये कुछ व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि आप पेड प्रमोशंस जो ब्लॉग है वो करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने मेरे ब्लॉग्स हैं सभी जो है मैं पे करके जो है ना, वो जो भी चीज़ मैं टेस्ट करता हूँ उसके मैं पे करता हूँ। तो ये नहीं कि मैं किसी की एडवर्टीजमेंट के लिए करता हूँ, ये चीज़ मैं दिखाता हूँ अपने व्यूवर्स को कि जो फेमस है फैसलाबाद में जो चीज़ और जिसका टेस्ट अच्छा है उसका भी लोग मैं अपने व्यूवर्स को बना कर दिखाता हूँ। तो हमारा मकसद है कि आपको अच्छा और म्यारी जो फूड है उसका जो है ना, वो आपको पता चल सके कि फैसलाबाद में अच्छा और म्यारी फूड कहाँ से मिलता है और कौन कौन सी चीज़ें फैसलाबाद में जिनका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, जो मेरे व्यूवर्स फैसलाबाद से बाहर हैं। तो ये उनके लिए भी होता है, जो फैसलाबाद के व्यूवर्स हैं उनके लिए, कुछ लोगों को नहीं पता, वो लोग ये चीज़ सोचते हैं कि फैसलाबाद में अच्छी चीज़ खाने के लिए हो या फेमस की चीज़ हो। तो इसलिए हमारा मकसद है कि ये व्लॉग बनाएं, हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि फैसलाबाद में अच्छा फूड और जो फेमस है वो किस जगह से और कैसा है, उनका टेस्ट वो कहाँ से मिलता है। तो चलें आपको लेकर चलते हैं लेयर्स केक एंड बेक्स पे, और इनका एड्रेस भी आपको बताते चलते हैं जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये सिल्वर स्पून है, इसके साथ ट्रेंचर्स है और ये लेयर्स है। ये अंदर आ रही कोहिनूर सिटी को जी रोड, और अगर आप इस साइड को देखें ये सामने एक ये कॉलेज रोड है, बहुत मसरूफ़तीन रोड है, मीडिया कॉम प्लाजे से ये सीधा अंदर को आता है ये कोहिनूर। और ये इस साइड पे है जी, ये सामने देखें ये कोहिनूर प्लाजा है, इसकी बैक साइड पर है। तो
किसी वजह से भाई को वीडियो में नहीं लेके आए हम, तो इन्होंने अपनी स्पेशलिटी और जो केक्स हैं उनके बारे में बताया, और हम उनको अभी अपनी जो फ्यूचर्स पेश करेंगे उसमें हमारा कपकेक है और संडे और एक डोनट होगा। संडे में 3 मिल्क जो इनका सबसे फेमस है वो ही हम पेश करेंगे और अपने व्यूवर्स को बताएंगे। संडे 3 मिल्क होगा तो इसको ट्राई करेंगे और अपने व्यूवर्स को बताते हैं इसका टेस्ट। इसके बाद कपकेक और डोनट को इसको टेस्ट भी करेंगे। तो चले इंतज़ार नहीं करवाते जी दोस्तों, हमारा संडे जो 3 मिल्क है वो हमारे पास आ चुका है, उसको ट्राई करेंगे। उसको अभी ठंडा है में काफी टेस्टी है, काफी मजेदार। लेकिन पहले मैंने फैश करा में कभी इस तरह का जो केक है वो टेस्ट नहीं होती, तो हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट है, कमाल का टेस्ट है। बाकी मुझे रिकमेंड किया था, बहुत ही अच्छा उसने मुझे रेकमेंड किया था, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद हम काफी टेस्ट करेंगे, ये अभी सारा मैं आपको चेक करके सारा खा था, आपको नहीं खाना, अब आप काफी को ट्राई करते हैं वो क्या इससे भी नज़र आ रहा है। ये तो जी हमारा लोटस केक है कप केक, वो हमारे पास आ चुका है, उसको टेस्ट करो। हमारा टेस्ट है जी स्कॉच की तरह का, इसका टेस्ट है और साथ में केक का भी अलहदा से डिफरेंट टेस्ट है उसका। ये टेस्ट कर लिया हमने और सारा तो मैं आपको दिखाएंगे जो चीज़ें टेस्ट हुए। हमने संडे ट्राई किया, इसके बाद हमने कपकेक ट्राई किया तो ज़्यादा अच्छी नहीं, तो अच्छी नहीं होती। हमने हमारा इरादा था कि कपकेक ही ट्राई करते तो हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं, अच्छी नहीं शेयर की, तो खाना भी देना और कहीं हमारी सेहत खराब हो जाए। हमने बस इतना साइड जो इनका जो स्वीट सब ट्राई किया, मेरी इसी के साथ मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फेसबुक पे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को उस पेज पर फॉलो कर दें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वैसे आई कल का क्योंकि मैंने नहीं आने वाले मेरे साथ मुझे इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।